Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Beauty Secrets. आज मैं जो आपके लिए DIY लाई हूँ, इसमें हम ग्रीन टी का यूज करेंगे, इसलिए ग्रीन टी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। ग्रीन टी एज ए हर्ब यानी जड़ी बूटी यूज की जाती है। इसमें कैटेजिन होता है जो कि आपके फेस की पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट यानी फेस पर मौजूद काले धब्बे को एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। आपकी स्किन के सेल को एक्टिव करता है, स्किन के पोर्स को टाइट करता है। अगर आपकी स्किन का मसला सिर्फ एज है और इस एज की चेंजिंग की वजह से स्किन में पिगमेंटेशन हो गई है या आपकी स्किन पर झाइयाँ हो गई हैं, तो ये सबसे बेस्ट है। इसे आप अपने पीने में भी यूज़ करें और इसे फेस पर लगाने पर भी यूज़ करें, आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए अब रेमेडी की तरफ आते हैं कि हमें इसे बनाना कैसे है। इधर मैंने एक ग्रीन टी का टी बैग लिया है, जिसे गर्म पानी में मैंने इस तरह इसको डिप कर दिया। बस इसको आप अलग कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें एक बाउल लेना है। इसमें एलोवेरा जेल 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल लेनी है। इस तरह हम 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ले लेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, इस एलोवेरा जेल में हमने जो ग्रीन टी यूज़ की थी, जो हमने इसका पानी का टी बैग का पानी लिया था, इसमें हम थोड़ा सा ये पानी मिक्स कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसमें आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, लेकिन उसको भी बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा ताकि ये एक लिक्विडी फॉर्म में आ जाए। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें एक देखिए इस तरह का एक टैबलेट मास्क मिलता है, आराम से मार्केट में मिल जाता है और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, और इसको हम इसमें डिप कर देंगे और ये थोड़ी ही देर में ये पूरा जो मिक्सचर है वो इसमें आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये हम फिर हम अपने फेस पर इसको अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास ना हो तो इसमें हम एक कोई कॉटन का कपड़ा इसे डिप कर लें या फिर टिश्यू पेपर के ज़रिए भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये अच्छा सोप कर ले इस मिक्सर को, फिर मैं लगाना बताती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने टैबलेट मास्क इसमें डिप किया था और ये तकरीबन 3-4 मिनट में ये इस तरह हो गया। अब इसको हम खोलेंगे, इसने सारा जो सीरम था जो हमने बनाया था वो सारा इसने अपने अंदर सोक कर लिया है। इस तरह ये देखें, ये इस तरह ये मास्क है, इसको आप अपने फेस पर अप्लाई कर लें और इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए अपने फेस पर छोड़ दें। फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद आप इसे निकाल देंगे और फिर आप देखेंगे कि आपकी स्किन टोटली हाइड्रेट हो चुकी है और बिल्कुल क्लियर और ब्यूटीफुल नज़र आ रही है। आप इसे डेली बेसिस पर भी यूज़ कर सकते हैं और इससे आप ग्लॉसी स्किन, आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल ग्लॉसी लुक देगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।